लोला मतलब जीवा, जीवा कहो मारा लोला ना कहो डर लागे। बोलो स्वामी जी, मैं तो बताइए केका कुमार का बेटा है। केका कुमार का और इस औरत को जानती है? हे स्वामी जी, थोड़ा सा नजदीक में जाकर के मैं देख। जाओ करीब जाओ, पहचान करो। वाह क्या चूड़ी है, वाह। ए महाराज पहचान तो यागुस ना हो। हाँ जाग पाचू भारी देश में। ओम ओम सदा बजा। स्वामी जी मुझे ऐसा लगता है। कैसा? ये छोटी महारानी सही पहचान पाई। अभी तक दिमाग बहुत काम कर रहा है। पहचान लिया महारानी, तू अच्छा किया। अगर तू नहीं पहचानती तो समझ लो। और ये बता, छोटी महारानी के ओत्र से बच्चे का जन्म हुआ था या ईंट और पत्थर था? स्वामी जी छोटी महारानी अरे मुझे सूरदास समझता है तू। चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, धूप में सुखा दूंगा। छोटी महारानी के गर्भ से देखिए स्वामी जी, चल तू इधर। छोटी महारानी के गर्भ से एक लड़का का ही जन्म हुआ था। क्या? ए बैठ जा। और तो फिर उस समय तू तो मेरे गोद में एक ईंट और पत्थर को दिया था। जी और तू अब इस समय कह रही है कि एक बच्चे का जन्म हुआ था। तू है बच्चा कहाँ है? वो बच्चा स्वामी जी क्या बताऊं, मंत्री ने उस बच्चे को डगरीन से कहवा कर फेंकवा दिया खत्म। अच्छा, और मेरे गोद में तू ही चोर पत्थर रख रहा। उसी के कहने पर, एक इसके कहने पर। जी स्वामी, मेरा नमक खा करके तू जिस थाली में खाव खाया उसी में छेद कर कर। ए महाराज, आपको महारानी जी के बातों पे यकीन हो गया कि मेरे बात पे ये बच्चे को फेंकवा दिए, तो अभी आपके सामने हम महारानी जी को कहेंगे, मानेंगे ना? क्या महाराणी जी, आप मेरे बात पे बच्चे को फेंकवा दिए, अभी भी हम कह रहे हैं चलिए आपको कुआं में डुबाएंगे, डूबिएगा नहीं। ना बताओ क्या हमारे नहीं डूबेगी? हाथ कर ही लगवा था। ये तुमने कहा इस बच्चे को फेंक दो, ये एक बार भी तू सोचा नहीं और इसे फेंक दिया। महारानी को सजा दिलवाया और इस समय ये कह रहा है तुम्हें कुआं में कूदने के लिए तो तू नहीं जाएगी। अरे ये बता स्वामी जी, मुझसे गलती हो गई। स्वामी इसके आगे की कहानी मैं तुझे सुनाता। स्वामी जी मुझे माफ कर दीजिए। इसके कहने के अनुसार तो तू इसे फेंकवा दिया। स्नान करने के लिए यहाँ हवेली में जगह नहीं है, जगह जगह पे लगा हुआ है। और तू अपने पोखर पे स्नान के लिए जाती थी, लाख समझाने से नहीं मानेगी। पोखर में भैंस ना आवे जगी। शराब वहां पे जब तू इस बच्चे को देखा तो क्या कह दिया? क्या कह दिया कि यह लड़का मेरे इज्जत से खेलना चाहता? अरे चाले, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े। ये बता,
बच्चे का उम्र भी नहीं देखा तू और इसके ऊपर गलत इंजाम दिया। मुझसे धोखे से शक करवा करके मेरे ही हाथों मेरे ही पुत्र का हत्या करवा दिया। बताओ किस आधार से तू संसार में जीने के काबिल है? जब मैं दूर से दौड़ते हुए गया तो ये लड़का ऐसा कर रहा था। बता तू झूठ क्यों कहा? हे महाराज, हम बाबू चुतिया आदमी हैं, जब तक हम झूठ नहीं बोलते हैं तब तक बाबू पछता नहीं है। तुम्हारे झूठ ने मेरे घर को उजाड़ दिया, इसीलिए तुम दोनों को राम नाम सत किया जाएगा, सजाए मौत दी जाएगी, क्या तुम्हार फांसी की तैयारी किया जाए। हमरा नहीं मारो, हमरा मन दब से बचना चाहता है। एक मौका और देता हूँ, मांगो समाज बाबू से तू माफी। अगर समाज बाबू 10 व्यक्ति कह देंगे कि छोड़ दीजिए इन्हें तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, 10 व्यक्ति क्या यहाँ 20 व्यक्ति कहेंगे? एक बार कह करके बिठाओ। रात भर टोक टोक देख लो कितना बढ़िया को महाराज का। हम लोगों को कम से कम शर्त है कि हे महाराज हे पुरमान के कैसे जावा था तो एक बार की मां ए अबुड़िया के लेर वाले गे मोटियो हाथ उठाइए, इसे मार दिया जाए। उठाइए हाथ, कितने आदमी उठाते तुम्हारा टिकट कट गया, टिकट कट गया ऊपर जाने का। अभी ट्रेन आ रही है, स्वामी जी तू भी माफी मांगना चाहती है? चरण माफी मांगो। ठीक है स्वामी जी, मैं माफी मांगती हूँ। मांगो, पहले अपने बियादरी से मांगो, मेरे बियादरी को छोड़। लेकिन माफी मैं मांगूंगी कैसे? हाँ बताओ रे। महारानी जी, माफी मांगने के लिए आप कहाँ आते हो? दोनों हाथ को बढ़िया से जोड़ लीजिए, पैर पकड़ लेगा एक आधा खरे खार गुरकी का बैठ के गुरक के प्रणाम कम वक्त कहीं का। तो ठीक है स्वामी जी, मैं माफी मांगती हूँ। उल्लू के पट्टे, देखिए आप लोग तो जानते हैं, रात भर मेरी करतूत को देखे हुए हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे जितने भी माँ बहन आई हुई है, मैं खास करके मैं जानती हूँ कि औरत के दर्द औरत जानती है, औरत की घायल औरत जानती है। इसलिए मैं माँ बहनों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप लोग मुझे माफी दिलवा दीजिए, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आप लोग माफ कर दिए ना स्वामी जी, मुझे माफ कर दिया। कितना आदमी माफ किए पूछिए ना, पूछ लिए कि भी हाथ नहीं उठा है, कोई माफी नहीं लगाया। नया नियम में पुराना नियम कुछ नहीं होगा, मेरे नियम से लगता है। एक दो के बीच में चलो, उधर खींचिए जरा। स्वामी जी, मरने से पहले मैं कुछ खाने के लिए चाहती हूँ। क्या खाएगा? वो केला चुना, अब चलो आपस में चौंक खाइए। स्वामी जी मुझे मत मारिए, एक दो तीन के सहारे राम नाम सत हो जाए। अच्छा
तुम भी कुछ खाएगा। क्या खाएगा? हमारा रसगुल्ला और रस खाएगा। हमारा खिलेबे कर बताइ चुरा खिलाबो। और किसी से मुलाकात भी करेगा। हम अपना दादी से क्या दादी जांच क्यों तरास पहले आएगा। हम अपनी कर कटिया के लोग तोरा भोज की खेबो तो ये भोज खाइए। एक पे तीन के सहारे राम नाम सत हो जाएगा। ये परेशर वाला फासिस कस गई हम आ बाबा खींचे जो खींचे छे या नो जमा कोची करे छे हम बचा लिया तू इस चट्टान को। अभी इसीलिए तो कहा है कहावत में स्वामी कि बांझन क्या जाने पुत्र के हाल। पुत्र को जन्म ही नहीं दी ते पुत्र के हाल क्या जानेगी। बताओ क्यों अब इसे माफ कर दीजिए स्वामी। देख लिया रे चटाली तू कितना सजा दिलाया इसे फिर भी आज तुझे ये मरने से बचा लिया। ए महाराज ये बेचारे के नाम नहीं होता तो आवा छोटी महारानी आवी अगले आवा इरा ले चलो तो कौन खोल देबे। कैसा दुकान? बढ़िया दुकान हो मिठाई का ना साइकिल का। हट 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 ये क्या करेगी यहां साइकिल दुकान में खाली पंचर बने था झामा से। हां और यहां खाली पंचर बने था और तू खाली खड़े कर हवा दियो। गाढ़ा कहीं मारे हवा चियो गाय